So with the help of these data angle find करना है between A and B. तो सर देखो यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं. अच्छा स्केयरिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों तरफ? कुछ आइडिया आया? तो सर फिर तो सर इसमें a माइनस रूट टू बी का डॉट कर देंगे a माइनस टू बी. वेरी गुड. ये दिस द आइडिया. डॉट में लगा था, कन्वर्ट कर लेंगे इसे. आप कर लोगे आगे? हाँ जी सर. Yes. One case का one रहेगा, ठीक है ना? हाँ जी. आगे आगे क्या करेंगे पता है? ये का डॉट ए में करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस रूट टू और प्लस डॉट बी टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू रूट टू ए डॉट बी. ए भी हो जाएगा ठीक है ना? इक्वल टू वन प्लस प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, राइट? यस सर. ये वन हो जाएगा, ये माइनस का टू रूट टू हो जाएगा. इनको ऐड करेंगे तो ए डॉट बी प्लस टू हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू वन है, राइट? यस सर. क्वेश्चन वन आगे वन से वन अपॉन रूट टू हो जाएगा क्योंकि माइनस टू पॉजिटिव से है प्लस टू कट जाएगा. तो माइनस टू रूट टू ए डॉट बी इक्वल टू माइनस टू. ये कैंसिल हो जाएगा माइनस टू से माइनस टू, ठीक है ना? ए डॉट बी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, राइट? आगे तो सर वन अपॉन रूट टू तीसरा आगे नहीं बच देख रहा. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है. यस. मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वन वन हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, राइट? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू. थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर. इज इट क्लियर ना? यस सर. ये ये वाला सर एक मिनट. USB 60 हाँ जी सर. ये हो गया. कैसे? इसमें सर दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे यानी कि प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का ठीक है, ये स्क्वायरिंग स्टेप कर देंगे. किया था शायद हमने ना. हाँ जी सर ऐसा कुछ. ठीक है, ये वाला
बिटवीन, ये ऐसा वाला भी करा था सर एक। एंगल निकालना है, एंगल बताइए आपको, ये ए वेक्टर है, ये बी मान लेते हैं, अब एंगल बिटवीन देम यही हो जाएगा राइट। यस चलिए ये यस हाँ सर, ये परपेंडिकुलर वाला आ गया ना, ठीक हो जाएगा। एक बार बताओ कैसे करेंगे इसे। ठीक सर, स्पोर्ट्स इसमें सर हम पहले ए और बी देखते हैं ना, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बी डॉट, हाँ बी डॉट ए 0 हो जाएगा क्योंकि वेरी गुड, परपेंडिकुलर है, बहुत अच्छे। तो ए डॉट बी सेम रूल लगा के बी डॉट ए भी 0 हो जाएगा। जीरो आ जाएगा, और इन हम फिर डॉट करेंगे हाँ थ्री आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप इक्वल्स टू जीरो। डॉट कितना आएगा जीरो इसका, सिक्स प्लस एक्स प्लस जीरो राइट। यस तो सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू -6, एक कंडीशन से ये रिलेशन आ गया। और ये कंडीशन सर, अप्लाई करें, बाय नहीं लेंगे क्या? बाय जीरो हो जाएगा, इसमें के नहीं है ना, जीरो के है, तो वाई को सर जीरो के साथ जीरो करेंगे, सर कुछ नहीं लिखा होता तो हम वन मानेंगे ना, जीरो जीरो मानेंगे। मानेंगे, जीरो हमने उस दिन बताया था ना, इसे लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री आई कैप प्लस एक्स जे कैप, के है नहीं, जीरो के कैप, ठीक है, वाई का जीरो में करेंगे मल्टीप्लाई तो जीरो हो तो जाएगा जीरो हो राइट। जाएगा। यस सर, अब ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, थ्री स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट ऑफ हाँ रुक, 9 + x² इक्वल टू रूट ऑफ 4 + 1 + y² राइट, यस स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब आगे बताइए। सर। नाइन सर, ये 9 हुआ ना ये तो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 मतलब 9 + 1 10। ना एक्स के साथ, जे के साथ, जे कैप के साथ एक्स है ना, ए स्क्वायर प्लस ये है ना, 3 स्क्वायर प्लस सर एक्स तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना सर, कहाँ पर, सर ये हम 1 नहीं, के साथ जे के साथ एक्स है ये ना, के सर, के साथ जीरो है, उसे लिखा नहीं है हमने, के जो है, के तो है ही नहीं, ये ना जीरो के, ठीक है सर।
अब बताइए क्या करेंगे आप भी? सर इसमें 90 है तो सर रूट हटा के नहीं रूट हटा दिया। तो सर इसमें 22² प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे ना, एक्स की वैल्यू नाइन है कि नहीं? कितना प्लस हो जाएगा ये? थर्टी -6 का स्क्वायर। सिक्स हो जाएगा राइट? ये कितना हो जाएगा? ये कितना 45 यस 45 राइट? यस सर। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40 हो जाएगा राइट? y इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 40। इसे क्या लिख सकते हैं? 2√10 राइट? यस ये है y की वैल्यू निकालनी है हमें, यूनिट लगाना जरूरी नहीं है। y तो की सर वाई को वैल्यू अगर हम 40 √40 भी रहने तो भी चलेगा, निकालना पड़ेगा रूट। हाँ, रूट अगर थोड़ा आ जाता है आगे लिख देते हैं, प्लस माइनस साइन लेंगे ठीक है। लेंथ नहीं है भाई क्योंकि ठीक है ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी सर परपेंडिकुलर है ना, तो सर इसमें A.B, B.C, C.A तीनों ही 0 आएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, और यूनिट वेक्टर है तो फिर वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C 1 आएगा। ये क्या रखा है? ए बी सी जो है ना, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये मतलब 0 हो गया मतलब ये ए डॉट बी बी डॉट सी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 सॉरी। बी डॉट सी इक्वल टू 0, जीरो सी डॉट ए इक्वल टू 0 जीरो राइट? यस। और सर इसमें भी ए बी और सी तीनों ही 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। हाँ ये भी है। ये गिवन है हमें ठीक है ना, यस इसका यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब बताइए कैसे करेंगे? स्केयरिंग ले लें इसका ठीक है ना। यस अब कर लोगे आगे? जी सर स्क्वायरिंग करके हो जाएगा। क्लियरली हो जाएगा नहीं? हाँ जी सर चलिए ये वाला हाँ जी सर इसमें भी हो जाएगा। यस।
इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने। यस सर, इसके पिछली बार भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा था वाला क्वेश्चन मुझे। अभी कर लोगे सर एक मिनट। हाँ जी सर एक मिनट। और हमने यही बताया था ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाँ जी सर। सर इसमें मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले ए बी और सी का, जो कि वन होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये केवल है। हाँ जी सर। और सर नहीं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सर, इसमें बाद में जाके होगा तो स्क्वायरिंग उसके ऊपर का थोड़ा याद नहीं आ रहा सर। स्क्वायरिंग तो होगा इसमें क्योंकि तभी आंसर निकल। यहां से लेके चलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा हाँ जी सर, क्योंकि ये वेक्टर जीरो वेक्टर है ना, ये तो यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा कि नहीं? हाँ जी सर। स्क्वायरिंग करेंगे वो भी जीरो होगा। अब इसका हाँ जी सर। ड्रॉप कर देंगे ऐसे। याद आया? हाँ जी। डॉट करेंगे ये वैल्यू जो आ जाएगी टू टाइम्स वही आ जाएगा कि नहीं? और मैग्नीट्यूड हाँ ए जी। और बी सी वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का 3/2 आंसर था इसका। हाँ जी सर। याद आया? हाँ जी सर। या कराऊं मैं, बताइए। हो जाएगा सर। ये इसके बारे में कल की क्लास में बताया था हमने कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें सर वो ए इंटू ऑफ ए इंटू बी शायद। परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी फाइंड करके, राइट? याद आया कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट हाँ परपेंडिकुलर जी। होता है दोनों वेक्टर के कि नहीं? और इसको कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट को डिटरमिनेंट की लेंगे। हेल्प से। बताओ सेकंड रो में क्या है? क्या सर? सेकंड रो में, फर्स्ट रो में तो ये आता है हमेशा, आई कैप जे कैप के कैप। यस सर। फिर इसमें A1, A2, A3 क्योंकि तीन है वन टोटल। टू माइनस थ्री कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑफ वेक्टर ए। वन ठीक है सर। है कि नहीं? हाँ। आ गई। और सर सेकेंड रो में कितना? थ्री माइनस वन और तो टू तो इनका क्रॉस कितना आएगा? आई कैप सर लेंगे, टू इंटू टू। इसका हमें क्रॉस करके दिखाओ। ठीक है, अभी ठीक है। तो सर मैं बताऊं या फिर कैसे? मतलब
यस हुआ। हाँ जी सर, इसमें ये आ रहा है 2 × 2 − अच्छा इंटू फोर माइनस 3 × −1 आई कैप। ये आएगा और माइनस ये क्या पाएगा, यहाँ पर रिवर्स नहीं मारी कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया ये और माइनस ये कर दिया, ठीक है ना। माइनस ये कैप लिया यस फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, कितना आएगा 2 और प्लस का 9 राइट, यस, प्लस के और तो कैप फिर −1 −6 -1 -5 -6 ठीक है ना। यस आई कैप माइनस -7 इलेवन जे कैप माइनस सिक्स के के सेवन के कैप आगे बताओ क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे स्केलिंग क्यों करेंगे, सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये ऑफ ए इन वेक्टर टू है बी ना, निकालना है। ये वेक्टर जो रिजल्टेंट है ये ए और बी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ए और क्यों बी के सर? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, अच्छा ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। है, लेकिन ये आपका कोई वेक्टर मान लेते हैं ए क्रॉस बी होगा परपेंडिकुलर बोथ टू बोथ ए एंड बी, इसे सी मान लेते हैं। अब ये हमें सी के ठीक अलोंग वही यूनिट वेक्टर निकालना है, बस सिंपल ये निकालना है यूनिट वेक्टर सी के अलोंग, है सर, ठीक है इसे मान लेते हैं लेट दिस इज सी राइट, यस सर। तो सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यस सर ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका कितना, आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप अपॉन यस मैग्नीट्यूड ऑफ सी रूट ऑफ 1 + 121 +49 राइट, यस सर, कितना हो गया ये 121 कितना 171। सर करके 1 मिनट सर, 171 हो 1 मिनट गया सी क्या। अभी हमें ठीक है निकालना है, ये तो यूनिट वेक्टर है ठीक है ना, लेकिन हमें निकालना है जिसका लेंथ कितना हो, मैग्नीट्यूड हो रूट ऑफ 171। हेलो, यस सर। तो बताइए क्या करेंगे, तो सर 171 तो अपना रूट रिक्वायर्ड नीचे वेक्टर क्या डिनोमिनेटर में होगा, था ही चुका है। रिक्वायर्ड वेक्टर होगा रूट ऑफ 171 मल्टीप्लाई सी कैप, इज इट क्लियर और नॉट। यस सर यूनिट वेक्टर में अगर वन रूट ऑफ 171 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 171 रूट ऑफ 171 टाइम्स हो जाएगा ये राइट, यस सर तो कितना हो गया 171 अंडर रूट और आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप √170 अपॉन रूट ऑफ 171, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इट क्लियर और नॉट, कोई यस डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सर मैं एक बार फिर से करूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। ठीक हाँ इसे नोट कर लो आप। है
हो गया सर। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये बता दो कैसे करेंगे बस। हेलो, यस सर, अच्छा ये कैसे करेंगे आइडिया ये एक बोलो। मिनट सर, ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सर। तो अच्छे आफ्टर 1 मिनट मीटिंग विल बी एंडेड राइट, सो यू हैव टू यस सर, रीजॉइन इट। यस सर, ए माइनस हाँ जी सर, बी इसमें और जो बी है सी माइनस बी के परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है और सी माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है राइट। तो ये यस वेक्टर ए माइनस बी हो गया मान लेते हैं, और ये वेक्टर हो गया बी सी माइनस बी। आप इन दोनों क्रॉस कर देंगे ए माइनस बी क्रॉस यस सी माइनस बी राइट, यस इसका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, वही तो फाइंड करना था। ये आपका ए